सर, ये ट्रैफिक को लेके आज गाजीपुर में काफी प्रशासन के महकमे में काफी एक चहलकदमी है, तो इसके लिए आप क्या समाज को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ताकि ट्रैफिक का जो एक सुचारू रूप से काम काज भी चलता रहे और लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे देश में एक वैश्विक आंकड़ा जो दर्ज किया जाता है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें सबसे ज़्यादा हैं, आबादी भी ज़्यादा है। और हम लोग आए दिन देखते हैं कि जो लोग लापरवाही बरतते हैं, चाहे हेलमेट को लेके हो, चाहे सेफ्टी मेजर्स को लेके हो, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि गाड़ियों की प्रॉपर चेकिंग की जाए। उन चेकिंग में कभी कभी होता है जो संदिग्ध लोग होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं, जो अपराध कारित करते हैं, अपराधियों का भी इससे प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो जाती है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि गाड़ी के हर मानक, मतलब सड़क सुरक्षा के लिए जो मानक होते हैं उनको प्रॉपर चेक किया जाए, जिससे दुर्घटनाएँ कम हो। दुर्घटनाएँ होने से एक परिवार भी प्रभावित होता है और एक समाज भी प्रभावित होता है, साथ ही हमारे लिए भी एक चुनौती रहती है। तो हमारा पूरा प्रयास यही है कि आने वाले समय में दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सके, जिससे हमारा देश और समाज सुरक्षित रहे। सर, आपने अपना इतना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से अपने चैनल परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आज के दिन आप जो है युवाओं को, खास करके जो बाइक लेके बाइकर्स चलते हैं और फिर और गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपके लिए? मैं युवाओं के साथ साथ उनके जो अभिभावक गार्जियन, उनसे भी एक निवेदन करूँगा कि जो युवा छोटे हैं, मुख्यतः 10 साल 15 साल के बच्चे गाड़ियाँ बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट के, तो वो उनको गाड़ियाँ न दें। क्योंकि हमारे जो MV एक्ट में जो प्रावधान है कि अगर बच्चे जो नाबालिग अगर कोई इस तरह का एक्सीडेंट दुर्घटना करते हैं तो जिसके नाम पर गाड़ी होगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाएगी। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि लोग गाड़ियाँ चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल कम करें। फ़ोन के इस्तेमाल करने से भी बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती हैं, क्योंकि ध्यान हमारी दूसरी तरफ रहता है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों के माध्यम से ये सूचना, ये जागरूकता जन जन तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।